कैसे हो मासूम बालक और बालिकाओं, मेरा नाम है शिवम। आप देख रहे हैं जेएनबी पाठशाला। प्रेजेंट टाइम में मैं जवाहर नवोदय विद्यालय कुशीनगर का छात्र हूं और यहां पे आप देख सकते हैं कि हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय समिति के OMR शीट क्लास 9th के बारे में। वैसे ये जो OMR शीट है वो 2019 का OMR शीट है, क्योंकि अभी जो प्रेजेंट टाइम में आप लोग को 2022 में जो OMR शीट मिलेगा उसका PDF कहीं भी अवेलेबल नहीं हो पा रहा था। तो मैंने समिति वगैरह को भी मेल किया है, अगर OMR शीट मुझे वो मिल जाता है तो मैं आपको कम्युनिटी में अवेलेबल करा दूंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि उसका OMR शीट ऐसे पर्सनली रिलीज नहीं किया जाता है कि इसको OMR शीट कैसे होता है। 2019 का ये OMR शीट है, तो इसको आप देख लो और इसी पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको OMR शीट भरना है और क्या क्या करना है। तो सबसे पहले कुछ जो गलतियाँ होती हैं जो बच्चे करते हैं और जो बहुत सारे डाउट वगैरह होते हैं उसको भी मैं बताऊँगा कि अगर थोड़ा सा भी बाहर चला जाए तो OMR शीट गलत माना जाता है कि नहीं, कौन सा पेन यूज करना है, कैसे फिल करना है, सभी चीज़ें मैं आपको यहीं पर बताऊँगा। तो इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना और अपना सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना। और जेएनबी पाठशाला पे नए हो तो ऑफकोर्स आप कुछ सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे आपको और भी जो भी कंटेंट होगा वो आपको मिल सकेगा। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज भी चल रही है, तो उसको भी आप ज्वाइन करो, उसको भी आप देखो। मेरे दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ये लिखा गया है सबसे ऊपर ही टेस्ट बुकलेट नंबर। अब ये जो टेस्ट बुकलेट नंबर होता है ये आप लोगों का नंबर रहता है, वो लिखा हुआ आएगा पहले से, तो इसकी चिंता आप लोग ना करना, वो पहले से उसका मुहर लगा रहता है। तो आप लोगों को लिखा हुआ आएगा, तो उसको आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। सबसे पहले जो आपको फिल करना है वो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है नेम ऑफ द कैंडिडेट, तो सबसे पहले ये आपको फिल करना रहता है और अपना नाम लिखना रहता है। और बहुत सारे जो बच्चे होते हैं, मान लीजिए कोई मतलब हिंदी मीडियम का छात्र है, तो अपना नाम जैसे मान लीजिए मेरा नाम शिवम है, तो वो अपना नाम ऐसे लिख देगा, लेकिन ऐसे आपको हिंदी में नाम नहीं लिखना है, आपको हमेशा इंग्लिश में नाम लिखना है और कैपिटल लेटर में लिखना है। जैसे मान लीजिए मेरा नाम शिवम है, तो इसको थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ, तो आपको शिवम लिखना है तो पूरा कैपिटल लेटर में और थोड़ा अच्छे से मतलब इसी में लिखना है कि शिवम और मिश्रा। और सभी को मतलब ये नहीं कि कर्सिव में लिख दे या इस टाइप से शिवम लिख दे या CHIV है, मतलब ये एक कैपिटल लेटर में बाकी सब स्मॉल लेटर में, ऐसे आपका गलत माना जाएगा। तो ये सभी आप ध्यान रखना है कि सिर्फ आप लोगों को वहाँ पे कैपिटल लेटर में ही लिखना है जो नाम लिखना है। और ये तो नाम का हो गया। और यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए ये जैसे थोड़ा सा पुराना PDF है, तो कहीं आपका पेरेंट्स का भी नाम लिखने के लिए आ जाए, यानी मम्मी या पापा का नाम लिखने के लिए आ जाए, तो अगर वैसे आता है तो वैसे में अपने मम्मी या पापा का नाम लिखते समय आपको मिस्टर या मिसेस ऐसा कुछ भी नहीं लगाना है, बस आपको अपने पापा का नाम लिखना है। और पापा का भी नाम लिखते समय, जैसे मान लीजिए किसी के पापा का नाम राम हो, वैसे मतलब मैं मान लेता हूँ, तो आपको राम RAM ऐसे पूरा कैपिटल लेटर में लिखना है। आपको कुछ भी आगे मतलब ऐसा नहीं कि कर्सिव में लिख दिए या एक कैपिटल लिख कर बाकी सभी स्मॉल में लिख दिए, इस टाइप से नहीं करना है। आपको पूरा का पूरा कैपिटल में लिखना है, यानी नाम वगैरह कहीं भी लिखना है तो कैपिटल में लिखना है। अब यहाँ पे क्या होता है कि कई जगह आपको सिग्नेचर भी करना रहेगा, अभी मैं आपको नीचे बताऊंगा। तो सिग्नेचर करते समय आप अपने तरीके से सिग्नेचर कर सकते हैं, वो चलेगा, मतलब नॉर्मल जो सिग्नेचर आपका होता है आप अपना नॉर्मल नाम जैसे लिखते हैं वैसे लिखेंगे। अब ये नहीं कि सिग्नेचर करते समय भी एकदम खतरनाक वाला जो सिग्नेचर होता है एकदम ऐसे ये करके ऐसे थोड़ा स्टाइल में, उतना भी नहीं करना है, मतलब नॉर्मल सिग्नेचर जैसे ऐसे सिग्नेचर कीजिए कि आपको पढ़ा जा सके, तो आपको करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं हम रोल नंबर के बारे में। यहाँ पे देखिए रोल नंबर हमारा लिखा हुआ है और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है टू बी फिल्ड बाय कैंडिडेट, यानी ये आपको भरना है। और ये जो लिखा हुआ है ये आपके इन्विजिलेटर यानी जो टीचर होंगे आपकी क्लास में उनको भरना रहेगा, तो इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। ये जो दोनों है ये मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि कैसे आपको फिल करना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं रोल नंबर के बारे में। तो अब रोल नंबर में यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आप लोगों को ये ब्रैकेट दिया गया है ये सिर्फ 4 ही ब्रैकेट दिया गया है, लेकिन बहुत सारे बच्चों का अभी जो रोल नंबर मिलता है वो बहुत ज़्यादा नंबर्स का मिलता है, यानी 6 डिजिट का, 7 डिजिट का, इस टाइप से। तो अब बच्चे मेरे पास मैसेज करके पूछ रहे थे सब कि भैया इसको हम कैसे फिल करेंगे, ये तो सिर्फ 4 ही डिजिट है। तो देखिए इसकी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, नवोदय विद्यालय समिति का ये जो है ये OMR शीट जो है ये ओल्ड OMR शीट है, इसकी वजह से इसमें सिर्फ 4 ही खंड दिए गए हैं। अब जो नया OMR शीट आएगा तो उसमें जो आपको ये ब्रैकेट की संख्या मिलेगी वो ज़्यादा मिलेगी, तो उसकी चिंता तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो जितना भी आपका रोल नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगा, उतने ज़्यादा बॉक्सेस बना दिए जाएंगे। तो चलिए ये एक डिजिट हम मान लेते हैं कि हम 16 और 27, ये ऐसा ही मतलब मैंने रैंडमली क्लिक कर लिया है बस वैसे ही आपको फिल करने के लिए। तो सबसे पहले ये जो ऊपर के बॉक्सेस हैं इसमें आपको उसको फिल कर लेना है। तो ये जो हमारा मान लीजिए ये रोल नंबर ऐसे आपको यहाँ पे लिखना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए इसका आपको आंसर शीट नंबर ये लिखा हुआ रहेगा, तो इन सभी से आपको कोई लेना देना नहीं है, वो ऑटोमेटिक वो सभी इन्विजिलेटर लिख देंगे और नहीं तो इस पर मुहर लगा रहता है, तो ये सभी आपको फिल नहीं करना है। अब ये जो रोल नंबर है, तो जैसे कि हम 16 और 27 लिए थे, तो यहाँ पर 1, 6, 2 और 7 ये आपको पेन से फिल कर लेना है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिजिटली यूज कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। और फिर यहाँ पे आपको इसको सर्कल करना है, तो इसको आपको थोड़ा अच्छे से करना है।
सो देखो दोस्तों, अब यहाँ पे जैसे हम वन को फिल किए हैं, तो यहाँ पे इस वाले लाइन में, सिर्फ इस वाले लाइन में आपको ढूंढना है कि वन कहाँ है। और यहाँ पे आप देखोगे कि वन यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमें वन को सर्कल करना है। तो इस बात का ध्यान रखना, ये नहीं कि मतलब वन आप इसमें लिखें और दूसरे वाले खंड के जा करके, जैसे ये नहीं कि वन यहाँ पे लिखा हुआ है और आप इसमें के वन को कलर कर दें, नहीं ऐसा आप करेंगे तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे वन लिखा है, तो सिर्फ हम यहाँ वाली मतलब इसी नीचे वाली ये जो लाइन है, इसी के वन को हम कलर करेंगे। तो ये जो वन है, अब इसको कलर करना है, तो इसको आप अपने ऐसे पेन से कलर कर दीजिए। अब कलर कैसे करना है, अभी मैं आपको ये समझाऊंगा अच्छे से। जैसे कि मैं अभी डिजिटली कर रहा हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा ही बाहर आ जा रहा है, कि इसको अभी आप ना देखो, मतलब इसको अभी आप इग्नोर कर दो कि ये क्यों बाहर हो जा रहा है। अब जैसे मान लीजिए, मैं आपको सर्कल करने के लिए भी यहीं भी बता दे रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पे ये एक सर्कल हो गया, ये मान लीजिए यहाँ पे एक सर्कल है। मैं आपको एग्जांपल के लिए पहले सर्कल भरना ही बता देता हूँ। तो ये जो सर्कल है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। तो अब ये सर्कल है, तो इसको भरते समय दो तरीके से सर्कल भरा जाता है। एक तो ये जो बाउंड्री है, पहले इसके बाउंड्री को आप ऐसे लाइनिंग कर लो, एक दो बार ऐसे पेन से लाइनिंग कर लो, और फिर इसको ही ऐसे ऐसे करके आप अंदर की तरफ अपने पेन को लाते जाओ। एक तो ये तरीका हो गया, और मैं अब बताता हूँ दूसरे तरीके के बारे में। तो दोनों में से आप दोनों तरीका को फॉलो कर सकते हो, ये तो पहला तरीका था। दूसरा तरीका ये है कि आप सेंटर में अपने पेन को रखो और सेंटर में सबसे पहले गोला करो, और फिर इसी को बढ़ाते हुए ऐसे मतलब ऑटोमेटिक वो करोगे तो आपका हो जाएगा। और ऐसे ऐसे करते करते इसको धीरे 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 करते हुए आप बाहर की तरफ लाओ। तो ये दो तरीका होता है, इसके तरीके से आप इसको कलर करोगे गोला को। और सर्कल जब कलर किया जाता है, यानी ये जो गोला है, इसको जब भी आपको भरा जाता है, फिल किया जाता है, तो आपको जो पेन यूज करना है पूरे वो एमआर शीट को भरते समय, या तो सिर्फ आप ब्लू पेन यूज करना है या सिर्फ ब्लैक पेन, यानी सिर्फ एक ही पेन यूज करना है। ये नहीं कि रोल नंबर को ब्लू पेन से भर दिया है और जो आंसर है उसको ब्लैक पेन से, इस टाइप से कुछ भी नहीं करना है। और साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट बात कि जेल पेन आपको नहीं लेकर जाना है, जेल पेन अलाउ नहीं होता है, क्योंकि जेल पेन से ओएमआर शीट आप भरोगे तो आपका ओएमआर शीट चेक ही नहीं होगा। तो इसलिए आपको जेल पेन तो यूज ही नहीं करना है। आपको जो पेन यूज करना है वो बाल पॉइंट पेन यूज करना है। ये जो पेन होता है, ये जो पतला पेन चलता है जो आप नॉर्मल यूज करते हैं, उसी को यूज करना है। तो ये बता रहा था रोल नंबर के बारे में। तो यहाँ पे आपको इस वन को फिल करना है, और वैसे यहाँ पे इस सिक्स को फिल करना है। ये मैं अच्छे से नहीं फिल कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं डिजिटली अभी इसको यूज कर रहा हूँ, फ़ोन से ही कर रहा हूँ, तो इसीलिए। लेकिन आपको ये अच्छे से फिल करना है, इसको फिल करना है, फिर इसमें आपको टू को ढूंढना है। तो टू यहाँ पे है, तो आपको टू को ऐसे करके यहाँ पे इसको आपको पूरा का पूरा ये गोला जो है इसको भर लेना है। फिर यहाँ पे ये सेवन है, तो आपको सेवन को यहाँ पे कर लेना है। इस टाइप से ये जो लाइन मैं बना रहा हूँ ये कि ऐसे, तो इस टाइप से आप मत बनाना, क्योंकि ये लाइन जो होता है वो मैं बस आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो फिर यहाँ पे आपको सेवन को फिल कर लेना है, यानी आपको जो रोल नंबर भरना है वो इस टाइप से भरना है, यानी जितना भी आपका रोल नंबर होगा इसी टाइप से आप भरना है। जैसे कि यहाँ पे मैं 16 और 27 भर रहा हूँ, वैसे ही आप भी फिल करना वहाँ पे। और साथ ही साथ यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, अब जैसे मान लीजिए किसी का डेट, अब चलिए मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ जैसे हो गया यहाँ पे 14 और 08 08, यानी अगस्त, और फिर यहाँ पे मान लीजिए 2009 जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ हो गया। अब उसको ये फिल करना है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, आपको फिर से वही सेम काम करना है, यहाँ पे वन को ढूंढना है, वन को यहाँ पे आपको सर्कल कर देना है, ये पूरा अच्छे से करना है जैसे मैंने सिखाया है। फिर यहाँ पे इस फोर को ढूंढना है और फोर को पूरा अच्छे से सर्कल कर देना है। देखो दोस्तों, बात क्या है कि मैं अभी स्कूल में हूँ, इसकी वजह से मैं आपको अच्छे से ये पूरा वो एम आर शीट पे करके नहीं बता पा रहा हूँ, बट फिर भी मुझे विश्वास है कि आप सभी चीज़ें समझ जाओगे। और यहाँ पे देखो, फिर जीरो है, तो आपको जीरो को भी फिल करना है, जीरो को ऊपर फिल करना है, फिर एट को नीचे, तो एट हमारा देखो नीचे है, तो एट को नीचे यहाँ पे फिल करना है। अब देखो कुछ एम आर शीट में क्या होता है, कई बार जीरो को नीचे कर दिया जाता है, वन को ऊपर कर दिया जाता है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होता है, फिर जीरो होता है। तो सभी आप अपने एम आर शीट में देख लेना, उसके हिसाब से फिल करना। फिर यहाँ पे ये टू को आप फिल करोगे, और फिर यहाँ पे इस 00 को दोनों को आप फिल करोगे अच्छे से जैसे मैंने आपको बताया है, फिर 9 को। तो इस टाइप से आपका ये डेट ऑफ बर्थ भी हो गया। अब यहाँ पे नीचे हम आते हैं, तो नीचे आप देखोगे कि ये सभी के सभी आपके आंसर हैं, यानी जो भी आप क्वेश्चन में, जैसे मान लीजिए आपका वन का सी आ रहा है, तो सी को आपको सर्कल करना है। अब देखो कुछ बच्चे क्या होता है कि सिर्फ, जैसे मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से बता रहा हूँ कि ये हमारे पास चार सर्कल है, ये सर्कल ए बी सी और डी। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ बच्चे क्या करेंगे, एक सर्कल को सिर्फ हाफ ही भर करके मान लीजिए छोड़ दिए, इतना ही जैसे इतना भरे और छोड़ दिए। तो इतना अगर आप सर्कल भर करके हाफ ही छोड़ते हो तो इस सर्कल को गलत माना जाएगा। और मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको लगा कि ऑप्शन बी सही है, बी में ऐसे ट्रिक कर दिया, तो ऐसे भी आपको नहीं करना। अगर बी में आप ऐसे ट्रिक कर दे रहे हो तो उसको भी गलत माना जाएगा। मान लीजिए कोई ऐसा लड़का है, मतलब जो जल्दबाजी में कलर कर रहा है, ये पूरा ही उसका बाहर आ गया, एकदम ज़्यादा बाहर आ गया, तो अगर एकदम
ज़्यादा बाहर आ गया तो उसको गलत माना जाएगा। लेकिन मान लीजिए कोई लड़का मतलब सर्कल कर रहा है और ये जैसे ये पूरा सर्कल कर दिया और थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा बाहर बाउंड्री से आ गया, तो देखिए जैसे सर्कल करते समय अगर थोड़ा थोड़ा आपसे बाहर आता है तो थोड़ा बहुत का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर थोड़ा सा छूट भी गया है तब भी काम चल जाएगा, अगर थोड़ा सा बाहर भी आ गया है तब भी हो जाएगा, उससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि ऐसे उनको लगता है कि थोड़ा सा भी बाहर जाएगा तो गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा ज़्यादा भी बाहर हो जाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस बात क्या है कि बहुत ज़्यादा बाहर नहीं होना चाहिए। अब ये नहीं कि आप पूरा का पूरा एकदम इतना ज़्यादा बाहर कर दे रहे हो तो वो बेकार माना जाएगा, तो उस टाइप से आपको तो बिल्कुल भी नहीं करना है। उम्मीद है कि वैसे भी आप जैनवी पाठशाला के द्वारा पढ़ाए गए छात्र हो तो आप इतना ज़्यादा गलती तो करोगे नहीं, और साथ ही साथ आपको ये नहीं कि ऑप्शन ए हमारा सही है तो ऑप्शन ए में ही ऑप्शन ए लिख दीजिए, जैसे मान लीजिए ऑप्शन सी सही है तो यहीं पे सी लिख दिए, ऐसे ऐसे इस टाइप से कुछ भी नहीं करना है आपको। ना ही उसमें ट्रिक लगाना है, ना ही गलत करना है कि यह हमारा ऑप्शन गलत है, या उसमें आधा भी नहीं भरना है और ज़्यादा बाहर भी नहीं करना है, आपको एकदम अच्छे से करना है। अगर थोड़ा बहुत बाहर होता है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे दोस्तों। इसी टाइप से करके आपको ये जितने भी आपके 100 के 100 दिए हैं सभी को ऐसे ही फिल करना रहता है, तो वैसे ही आप यहाँ पे ये पूरा का पूरा देख लीजिए, इन्हीं सबको ये 100 आपको फिल करना रहेगा। और नीचे जैसे ही आप आइएगा यहाँ पे देखिए कैंडिडेट सिग्नेचर है, तो कैंडिडेट सिग्नेचर में आपको अपना सिग्नेचर करना होता है, तो आप अपना नॉर्मल सिग्नेचर कर सकते हैं। जैसे ये मेरा सिग्नेचर है तो मान लीजिए ये मेरा सिग्नेचर हो गया, और ये इन्विजिलेटर जो सिग्नेचर है इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि इसमें जो भी टीचर आपके रहेंगे वो आकर के सिग्नेचर करेंगे। और साथ ही साथ देखो मेरे दोस्तों, अगर आप जाते हो एमआर शीट में कुछ भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं तो वहाँ पे आपके क्लास में टीचर होते हैं तो उनसे आप पूछ लेना, जैसे मान लीजिए कुछ भी आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है तो आप उनसे पूछ लेना, वो आपको बता देंगे। उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। तो जैन भी पाठशाला पर नए होंगे तो जैन भी पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस चैनल से जुड़ जाइएगा, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय नवोदय।